नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण में। मैं हूं आपके साथ अनीशा। खबरों की शुरुआत करेंगे खास खबर से। बालाघाट के शासकीय माध्यमिक स्कूल मगरदर्रा के 11 बच्चे अचानक ही अस्वस्थ हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिसमें से दो बालिकाओं को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से उन्हें गहन चिकित्सा में रखा गया है। इस मामले में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। जानकारी में आया कि ये सभी बच्चे स्कूल गए हुए थे, स्कूल में प्रार्थना हो रही थी। इसके पश्चात एक के बाद एक करते हुए बच्चे बीमार होने लगे। बच्चों को पास के ही स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया और जब बच्चों की संख्या एक एक करके बढ़ने लगी तो उन्हें जिला चिकित्सालय के शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वयं इन बच्चों का परीक्षण किया। बच्चे अपने घर से खाना खाकर आए हुए थे। कुछ बच्चों ने स्कूल के हेडपंप का पानी पिया था, लेकिन सभी बच्चों ने पानी नहीं पिया था। अचानक ही उनमें से किसी को सांस लेने में तो किसी के सिर में दर्द तो किसी को चक्कर आने की समस्या बन गई। इस तरह यहां पर 5 बालिका व 6 बालक के बीमार होने पर भर्ती कराया गया। सभी बच्चे कक्षा 6वीं व 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। मामले की जानकारी पर जिला शिक्षा अधिकारी अश्वनी उपाध्याय ने स्कूल और अस्पताल में बच्चों से भेंट की। डीईओ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट आने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बालाघाट जिले से संजय अजीत की रिपोर्ट। बेटा कैसे बीमार पड़े, क्या हुआ आप लोगों को? पहले प्रार्थना समय थे, दीदी गिरी। अच्छा। उसके देख देख थोड़ी देर बाद धीरे धीरे बढ़ते। अच्छा, क्या हो गया था आप लोगों को? हमें चक्कर आ गया था। अच्छा, स्कूल में कुछ सेवन किए थे आप लोगों ने, भोजन पानी वगैरह? नहीं, पानी पिए थे बस। अच्छा, स्कूल में पानी पिए थे। कैसा था पानी, खराब था? नहीं, फिर पानी तो रोज पीते हैं। अच्छा, अच्छा था पानी। आरुषि क्या हो गया, कैसे बेहोश हुई आप लोग? पानी पीने के बाद। स्कूल में पानी पीने के बाद में? अच्छा, कैसा लगा था? पानी पी थोड़ा अच्छा लग रहा था, अच्छा। उसके बाद में आप लोग यहाँ लाए, कैसे लाए हैं? एम्बुलेंस से। अभी कैसी ठीक तबीयत आपकी, ठीक लग रहा है या कुछ गड़बड़ है अभी? मैं सडनली अपनी गाड़ी स्टार्ट करके गया तो एम्बुलेंस आ चुकी थी। 4 बच्चे एम्बुलेंस में थे, एक बच्ची को मैंने अपने गाड़ी में लेकर के यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो वहाँ बताया गया कि पानी पीने के बाद में जो है बच्चों को ऐसी बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हुई है करके। अभी फिलहाल यहाँ चिकित्सालय में सभी का उपचार प्रारंभ है और सभी बच्चे जो है खतरे के बाहर। अच्छा, क्या लगता है सर, वो पानी कौन सा पानी, क्या दिक्कत हुई होगी पानी में जो ऐसी तरह की घटना हुई? हो सकता है पानी का, हो सकता है या फिर जो है तेज गर्मी थी, आज उमस थी, उसकी वजह से भी बेहोश हो सकते हैं बच्चे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, अभी स्कूल में जो बच्चे हैं उनका कैसे देख रेख की जा रही है? अभी वहाँ पे स्टाफ है, गाँव के कुछ लोग हैं, TI साहब का हमला चले गया है, स्वास्थ्य विभाग का हमला चले गया है, और वहाँ पे बच्चों को केयर कर रहे हैं। बताएं किस तरीके की घटना घटित हुई आपके स्कूल में? ये प्रार्थना के समय जी बच्चे क्या है, प्रार्थना हो गया था जी। एक बच्ची आरुषि नाम की, प्रार्थना होती गिर गई। अच्छा, इसके बाद में क्या छुट्टी कर दी। तो उसके बाद फिर कितने बच्चे बीमार हुए हैं? 8-9 बच्चे। 8-9 बच्चे। हमें जानकारी मिली कि वहाँ कुल 17 बच्चे बीमार हुए हैं, जिनमें से 9 बच्चों को जिला अस्पताल में लाया गया है। 17 बच्चे। तो कितनी एम्बुलेंस आई थी वहाँ पर? सर वहाँ पे 3 एम्बुलेंस। 3 एम्बुलेंस आई थी ना, अभी गई भी होगी हमारे आने के बाद। हाँ, तो कैसे, किस तरीके की घटना, क्या लगता है कैसे हुआ है? क्योंकि बच्चों का कहना है कि हेडपम्प का पानी पिए थे, उसके बाद जो है ये स्थिति निर्मित हुई है। ये तो पता नहीं है। तो क्या हेडपम्प कितना पुराना है, उसकी सफाई वफाई की क्या स्थिति है? हेडपम्प तो पुराना है। कितना पुराना है? 2013 में आए हूँ, उसके पहले से। उसके पहले से लगा हुआ। तो अभी ये बारिश नया भी खोदे सर वहाँ पर। अच्छा, तो वो चालू हो गया है। तो अभी बच्चों ने कौन से हेडपम्प का, हेडपम्प का, नए वाले हेडपम्प के पानी से पिए थे? आ रहा हूँ वहाँ पर सभी गणमान्य नागरिकगण और सभी हमारे बालाघाट जिले के अधिकारी भी उपस्थित थे। अभी पहुँचा हूँ, बच्चों के जरूर 2-3 बच्चों के बहुत अधिक ऐसे बेहोश होने की खबर मिली थी। कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था, अनिजी महसूस कर रहे थे, वो सभी बच्चे यहाँ अस्पताल में आए हैं और अभी मैं सभी बच्चों से मिल के आया हूँ, सभी बच्चे अभी फिलहाल अच्छे हैं। किस कारण से कुछ ऐसा समझ में आया सर? अब इसकी जांच हमारे डॉक्टर साहब और हमारे PHE के अधिकारी
अधिकारीगण और जांच से संबंधित जो अधिकारीगण हैं वो लोग वहाँ जा कर रहे हैं, इसको पता चलेगी। जैसे कुल कितने बच्चे हैं सर ऐसे? यहाँ पर टोटल 9 थे, 2 बच्चे मेरे तो उपस्थित रहने पे वहाँ बोले हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा तो उनको भी लेके आए हैं, तो ऐसे 11 बच्चे हैं। बाकी सब ठीक है सर? बच्चे अच्छे।